कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो अगर आप लोकेशन को देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है ये M2 मोटरवे और उसके एरियाज अलोंग M2 मोटरवे के ऊपर ये वाकया है। दुनिया में 10 से 11 स्मार्ट सिटीज ऑलरेडी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये दो स्मार्ट सिटीज हैं, एक लाहौर स्मार्ट सिटी और एक जहां पर आप खड़े हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। कुछ न्यूज हैं ऐसी जो अगले 2 से 3 माह के अंदर हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसमें इंटरचेंज की न्यूज भी है। एक न्यूज आपने ये भी देखी होगी कि हमारे पास एक 25,000 कनाल का जो है ना NOC है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा। ओवरसीज क्लाइंट्स की बात करूं, जहां पर हम RBS का करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पाकिस्तानीज हैं हमने उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। हमारे साथ मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग RBS रजी अली भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर जो हर किस्म की सहूलियात और आराइश से मुजयन होगी, यहाँ पर जिद्दत लाई जा रही है। पाकिस्तान में इस तरह तो हजारों सोसाइटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। इस शहर में ऐसी क्या खसूसियत है कि ये आवाम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्या इसमें यूनिकनेस है, ये हम सारी बातें जानेंगे रजी अली भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या कोई भी रियल स्टेट ने प्रोजेक्ट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं रियल स्टेट के प्रोजेक्ट की नाकामी या उसकी कामयाबी के पीछे, जिसमें एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है डेवलपर, उसके बाद लैंड एक्विजिशन, उसके बाद उसका NOC, उसके बाद उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। तो अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो अगर आप लोकेशन को देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है ये M2 मोटरवे और उसके एरियाज अलॉन्ग M2 मोटरवे के ऊपर ये वाकया है। उसके बाद न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगर आप देखें तो डिस्टेंस इसका इंतहाई कम है। देन वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड इंटरचेंज और M2 मोटरवे, जिसकी वजह से जो एक्सेस है रावलपिंडी इस्लामाबाद किसी भी सिटी सेंटर से इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर ये इंतहाई कम होगा। एक्सेस पॉइंट कितने हैं इसके? एक्सेस पॉइंट बेसिकली हमारे पास इस वक्त जो ऑन ग्राउंड हैं वो 2 हैं, एक ओवरसीज प्राइम में है और एक एक्सेस 1 जो आपने अभी देखा है, जिसपे हम चक्री रोड से भी ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आए हैं। और फ्यूचर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेडिकेटेड इंटरचेंज भी है, जिसका आपने भी रिसेंट टाइम्स के अंदर आपने एक लेटर भी देखा होगा जो NHA की तरफ से सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में। ऑल्दो हम उसको एज अ मार्केटिंग स्टंट यूज़ नहीं करते, एज पर लॉ हमें ये अलाउ नहीं है NHA की तरफ से, बट स्टिल क्योंकि वो मार्केट में पब्लिक हो गया तो पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ अगले 2 से 3 माह के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ इंटरचेंज के हवाले से मार्केट के अंदर आप लोगों को मिलेगी। और जैसे ही ये मार्केट के अंदर न्यूज़ ब्रेक करेगी कि यहाँ पर इंटरचेंज बनने जा रहा है, तो आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं वो बहुत जल्दी जंप करेंगे, जो बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसका NOC है। NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की बहुत कमी है मार्केट के अंदर। आप देखें बहुत से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा 5-5, 10-10 साल या बास प्रोजेक्ट इससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं और NOC उनको नहीं मिलता। ऑब्वियसली देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका जो एक मास्टर प्लान है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टाउन प्लानर है वो सुरबाना जरोंग के नाम से एक फर्म है, सिंगापुर बेस्ड फर्म है, जिसने इससे पहले सिंगापुर को डिज़ाइन किया है, वही कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। स्मार्ट सिटी क्या है? बेसिकली स्मार्ट सिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट का नाम है। स्मार्ट सिटी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ जितने भी आप टेक्नोलॉजी को देख लें, आप अपने अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन को देख लें, उसके अंदर 100 तरह के सेंसर्स हैं। इन्हीं सेंसर्स को हम लोग हाउसिंग के अंदर जब यूज़ करते हैं तो ये स्मार्ट बन जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि ऑटोमेशन का नाम स्मार्ट सिटी है। जैसे एक कन्वेंशनल सिटी है जो स्मार्ट नहीं होती, उसके पास फाइबर ऑप्टिक नहीं होता, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए। हमें अपनी लैंड के एक एक इंच के अंदर, एक एक गली के अंदर, एक एक पोल के नीचे फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने बहुत हद तक काम कर लिया है। कुछ जगहों पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर हमने अभी मज़ीद भी जो है वो हम वो कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बेसिकली लोगों की ज़िंदगी को आसान करने का नाम है। और दूसरी बात यह कि स्मार्ट सिटी कंजप्शन, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी नेचुरल सोर्स हो, उसकी जो कंजम्पशन है उसको स्मार्टली मैनेज करता है। लेट्स से अगर आप स्मार्ट सिटी के अंदर किसी पोल की या स्ट्रीट लाइट की बात करें तो वो ऑटोमेटेड होती है, उसके अंदर ऑल द टाइम लाइट्स वो ऑन नहीं रहती हैं। अगर रोड के ऊपर एक गाड़ी या पेडिस्ट्रियन नहीं है तो लाइट को, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है, तो वो उसको डिम कर देगी और आपकी एनर्जी बचाएगी। जो पानी आ रहा है आपके पास उसके अंदर जो pH लेवल है, ऑब्वियसली आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते आमतौर पर, तो स्मार्ट सिटी के अंदर ये तमाम सहूलियात है कि आप उस pH लेवल को भी मॉनिटर कर सकेंगे। देन वी हैव स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे तो पूरा का पूरा सिस्टम स्मार्ट है, आपस में तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी, बट स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका, एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये तमाम चीज़ें इस सिटी को इंशाल्लाह स्मार्ट बनाएंगी। वैसे दुनिया में 10 से 11 स्मार्ट सिटीज़ ऑलरेडी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये 2 स्मार्ट सिटीज़ हैं, एक लाहौर स्मार्ट सिटी और एक जहाँ पर आप खड़े हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम डेवलपर की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर, इनके इन्होंने और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए और बड़ी कामयाबी से उन्हें मुकम्मल भी किया। उन्होंने बहुत कम अरसे में जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी को, आज अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में आते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कितने अरसे में ये आबादी के काबिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आबादी जो है वो आ जाएगी? सर बिल्कुल, 2018 के अंदर अगर हम देखें तो हमने ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का काम प्रैक्टिकली स्टार्ट किया था। आज 2021 है और आप मेरे साथ इस वक्त साइट पे हैं और आपने एरिया काफ़ी ज़्यादा देखा भी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कुछ फुटेजेस भी हम लोग बैकग्राउंड पे चलाएंगे जिससे आप लोग देख सकते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट का काम कितना तेज़ है। दूसरी बात ये कि कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या कोई भी सिटी हो, मैंने जैसे पहले कहा कि जो डेवलपर है उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेवलपर है HRL प्राइवेट लिमिटेड, मेरा ख्याल है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हबीब रफ़ीक का जो कॉम्पिटेंसी लेवल है या जो उनका तजर्बा है, उसी का आपके सामने ये एक शाहकार है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इतने कम अरसे के अंदर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई। अच्छा, ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये एक उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो हम लोग लेके चले थे डे वन से, और उस प्लान के अंदर दिन ब दिन बेहतरी ही आती जा रही है। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद के, शायद पाकिस्तान के अंदर कोई भी सोसाइटी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो RBS का नाम साथ जुड़ता है इसके, जहाँ भी बात की जाए। तो RBS क्या है? बेसिकली RBS रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन, ये एक मुखफ्फ है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का। प्लेटिनम सेल्स पार्टनर है हम लोग, आप कह लें कि पायनियर्स में से हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी को जब मार्केट के अंदर अभी मुतारिफ करवाया जा रहा था तो RBS रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही थी। इसके साथ साथ रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन का जो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो ओवरऑल हमारे पास इस वक्त एक्टिव मेंबर्स हैं, जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, वो पोर्टफोलियो तकरीबन 15,000 प्लस है। इतने बड़े सिस्टम को मैनेज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी डे बाई डे ग्रो किया, चीज़ों को मैनेज किया। मैं आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ बताऊं RBS के अंदर, कि हमारे पास जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ होते हैं, इवन डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी पाकिस्तान से बाहर, सिंध, बलूचिस्तान, KPK से, जब वो हमें अप्रोच करते हैं, हमसे बुकिंग्स लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो जो बुकिंग के बाद का मरला है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। एज अ कंपनी उसको मैनेज करना मुश्किल काम है। आपके पास क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के लिए क्लाइंट के पास क्लाइंट आ रहा है, आपके पास इंक्वायरी आ रही है एक नई प्रोडक्ट के हवाले से, नई चीज़ें, क्लाइंट्स को उन तमाम चीज़ों को सर्कुलेट करना, सर्विसेज देना, उसके बाद सिर्फ सर्विसेज ही नहीं देना, उनको अपडेट रखना, ये तमाम चीज़ें हैं जो RBS अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। उसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग की अगर आप बात करें, आपने खुद कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी का जहाँ नाम आएगा वहाँ पर आप RBS को देखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। RBS वो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे पोर्टफोलियो को देखें, जो हमारी टीम है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी एक एक टीम मेंबर जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट है, इंतहाई प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका सबूत जो है वो हमारा एक्टिव मेंबर है जो आप अभी देख सकते हैं। हमें ये बताइएगा कि RBS के टीम मेंबर कितने हैं और आपके क्लाइंट्स इस वक्त तक कितने हैं? टीम मेंबर्स की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट RBS के पास 200 प्लस जो है वो हम टीम मेंबर्स हैं, जिसके अंदर हमारा सेल्स स्टाफ है, ऑपरेशंस हैं, अकाउंट्स हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। अगर हमारे आप एक्टिव प्रोफाइल की बात करें, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 प्लस हैं, और ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ आज से 3 माह पहले का, तो ऑब्वियसली ये नंबर ज़्यादा होगा। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करें तो कौन कौन सा साइज़ जो है अवेलेबल है, और कोई रेट्स का थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा हमारे क्लाइंट? सर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, कम से कम मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए अगर बात करूँ, तो कोई भी इसके कंपैरिजन का प्रोजेक्ट नहीं है जो इस रेट्स के अंदर आपको ये इन्वेंट्री सारी ऑफर कर रहा हो। नॉर्मली इन्वेंट्री जो एक मिडल मैन, जो एक मीडियोकर तबके की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो 3.5 मरला से 7 मरला के दरमियान है। हमारे पास 3.5 मरला के साइजेस में प्लॉट्स अवेलेबल है, और उसी साइज़ के अंदर हम लोग विलाज भी बना के दे रहे हैं जो विला अपार्टमेंट के नाम से है। देन वी हैव 5 मरला प्लॉट, 5 मरला विला भी हम बना के दे रहे हैं। देन वी हैव 7 मरला, उसके बाद अगर आप ऊपर की साइज़ की बात करें तो हमारे पास जो है 10 मरला 12 मरला 1 और 2 कनाल तक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की सूरत में अवेलेबल है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जब किसी रियल्टर के पास एक इंक्वायरी आती है तो वो उसको फौरी सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन RBS का तरीकाकार मुख्तलिफ है। हम लोग अपने क्लाइंट को नो योर कस्टमर में बिलीव करते हैं, KYC अपने क्लाइंट की जब तक हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं समझते हम उसे कुछ सजेस्ट नहीं करते। इस तरह से अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, आमतौर पर हमारे पास 3 तरह की इंक्वायरीज आती हैं। एक होता है जो इमीडिएटली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए क्लाइंट होता है, उसको इमीडिएटली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हम रिक्वायरमेंट अगर उसकी है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अलग से एक ब्लॉक मौजूद है जो हम उसको ऑफर करेंगे। उसके बाद एक मिड जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी लॉन्ग टर्म नहीं होती ज़्यादा, उसके लिए हमारे पास एक अलग से ऑफर होती है। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है प्लान, तो हम लोग अपने क्लाइंट की नीड को देखते हुए उसको जो भी कंसल्टेंसी है और जो सजेशन है वो देते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न।
मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है प्लान जो है इनका, 4 साल का है, 3 साल का है? जो प्लान है हमारे पास न्यू बुकिंग के ऊपर वो 3 साल का है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं। हमारे पास 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और खास तौर पे मैं ओवरसीज क्लाइंट्स की बात करूँ, जहाँ पर हम RBS का जिक्र करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज हैं। तकरीबन इस प्रोजेक्ट के आगाज़ से ही हम लोग एक प्रैक्टिस के अंदर है कि ओवरसीज क्लाइंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रोच किया। इन ओवरसीज क्लाइंट्स जो GCC के अंदर हैं, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हैं, USA, कनाडा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा प्राउड है इस चीज़ के ऊपर कि हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज हैं हमने उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इसके बाद इनके साथ क्योंकि काम का हमारा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग ओवरसीज़ क्लाइंट की मैंटेलिटी को, उसकी रिक्वायरमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी के हवाले से हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा ओवरसीज़ क्लाइंट को हम लोग खास ब्रैकेट में रखते हैं RBS, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ओवरसीज़ क्लाइंट इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। अगर आप पिछले एक डेकेड में देखें तो इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, और ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों में जब से ये गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आई है, तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है। रजीली, बट आप हमें ये बताएं कि एक साल यानी 2021 के एंड तक आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, 2021 का जो हमारा प्लान है ना, वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लान के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लिया। कुछ न्यूज़ हैं ऐसी जो अगले 2 से 3 माह के अंदर हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसमें इंटरचेंज की न्यूज़ भी है। एक न्यूज़ आपने ये भी देखी होगी कि हमारे पास एक 25,000 कनाल का जो है ना NOC है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा है। PPE जिसको आप परमिनेंटरी परमिशन कहते हैं, वो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी है। तो इतनी बड़ी लैंड हमने एक्वायर की, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देन वी हैव डेडिकेटेड इंटरचेंज प्लान, वो भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक लेमैन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखें जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे तो वो एक आम आदमी को जिसने प्लॉट लिया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो बेसिक अम्यूनिटीज़ होती हैं जिसके रिक्वायरमेंट है एक लिवेबल बनाने के लिए। तो 2021 हमारा, मैं समझता हूँ कि हमने उसको लिवेबल बना दिया। अगर यहाँ पर आके आज हमसे कोई पोजीशन लेता है, जैसे कि ओवरसीज़ 1 में हमने अनाउंस किया हुआ है, तो ओवरसीज़ 1 के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी बुनियादी ज़रूरत, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, वाटर सप्लाई है जो आपके घर के टैप तक आपके पास आती है, स्कूल हमारे पास एक रेडी है, बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है, तो हम लोग उसको ऑपरेशन करने वाले हैं। 500 बेड का हमारे पास हॉस्पिटल है जो कि बड़ी तेज़ी से बन रहा है, तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, ये भी हमारे साथ काम कर रही हैं, तो ये भी फ्यूचर के अंदर आपको बनती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर गैस का अगर मैं बताऊँ, सोई गैस का जो हमारे पास डिमांड नोट अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, वापडा से हम लोगों ने एक नया फेडर जो है वो वहाँ पर हम इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं, उसके ऊपर भी ऑलरेडी सप्लाई है। तो ये तमाम अम्यूनिटीज़ जो बेसिक हैं वो ऑलरेडी हैं। 2022 के अंदर हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हम मोर देन 1,000 फैमिलीज़ को यहाँ पर एंटरटेन कर रहे होंगे। सर बिल्कुल, क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्लाइंट्स और ओवरसीज़ क्लाइंट्स, तमाम क्लाइंट्स को हम वेलकम करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। रिगार्डलेस कि उन्होंने हमसे कभी बुकिंग करवाई या हमसे बिज़नेस किया या नहीं किया, हम तमाम क्लाइंट्स को वेलकम करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्यूरी है आपकी, कहीं पर आपको लगता है कि आपको सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। RBS रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का जो YouTube चैनल है वो आपके लिए बड़ा इफेक्टिव है, खास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, क्योंकि हमारी वीकली बेसिस के ऊपर वहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साइट विजिट के लिए हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे ऑफिसेज़ अवेलेबल हैं F11 मरकज़ में, उसके अलावा DHA 2 में हम लोग हैं, उसके अलावा लाहौर में, अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आना चाहें तो लाहौर स्मार्ट सिटी में DHA Phase 8 मेन ब्रॉडवे कमर्शियल के ऊपर हमारा ऑफिस अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह लाहौर और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो भी इंक्वायरी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ RBS लाहौर टीम के मेंबर कैसर मुबारक हमारे साथ मौजूद हैं। ये खासे इस वक्त फेमस हैं RBS के, अगर यूट्यूब चैनल्स पर आप देखें तो पंजाबी कॉन्टेंट जो है ये तैयार करते हैं। हम भी अपनी टूटी फूटी पंजाबी में इनसे इस हवाले से कोई गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया तुसी आए हो। तुसी मैनू ये दसो कि तुसी अपने जो पंजाबी भाई ने उन्होंने की खास ऑफर देना चाहोगे RBS के प्लेटफॉर्म तो? शुक्रिया सर, मेहरबानी। सर देखो, पंजाबी दे विच बोलन दा मकसद हैगा कि साढ़े जिहड़े पंजाबी भरा ने ना, उन्होंने दसी ज उस चीज़ साड़ी जी ना जल्दी समझ आ जाए। देखा जाए तो इस टाइम मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड से मौजूद हाँ, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी अलहमदुल्ला काफ़ी अच्छे तरीके अपने जरा डिलीवर कर रहा है। तो जे कंपेयर किया जाए कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी के नाल, तो लाहौर स्मार्ट सिटी इस तो भी ज़्यादा तेज़ कम कर। और तू याद है तुसी लाहौर दे स्पेशल वी हो, यानी लाहौर दी स्पेशलिस्टी है तुहाडे लाहौर स्मार्ट सिटी दी, उदी की खास वजह है? लाहौर स्मार्ट सिटी दा अलहमदुल्ला सब तो अच्छी जिहड़ी चीज़ हैगी है कि उहदी जिहड़ी लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत प्राइम है, उहदी उहनूं 3 एक्सेस मिलते हैं, तुहानूं जिहड़ी रोड तो भी मिलता है, तुहानूं रिंग रोड भी मिलता है, तुहानूं मोटरवे भी इंतहाई करीब पैंदी है।
लाहौर स्मार्ट सिटी के उत्ते ना, तो लाहौर स्मार्ट सिटी का जरा साडा रकबे की गल की जाए तो रकबा भी सारा जरा रोड दो तो नज़र आता है बकायदा जे थ्रू आउट जो लोग आन जाने वाले लोग ने नज़र आ रहा होंगे उत्थे काम वगैरह भी जो कर रहे हैं साड़ी टीम वगैरह हबीब रफीक जरा अपना काम कर रहे हैं अलहमदुल्ला अच्छे तरीके अपना जरा जिम्मेदारियां जी निभा रहे हैं उत्थे जिन्हें भी उन्होंने लोग काम कर रहे हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के भी इनवैसमेंट तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इनवैसमेंट दोवे इनवैसमेंट जो लोगों वास्ते काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अपने पाकिस्तानियों खास तौर पर पंजाबी भाइयों कोई ऑफर देना चाहोगे, कोई पैगाम देना चाहोगे? जी मैं अपने पंजाबी ते पाकिस्तानी भरावों बड़ा अच्छा मैसेज है वो यह देना चाहवागा कि फरार तो बचो तो हबीब रफीक ना काम करो क्योंकि बहुत सारे लोग जो चीहो पुकार कर रहे हैं जी ताडे रेट ज़्यादा ने तो रेट देखो जी रेट ज़्यादा ता ही है क्योंकि फाइल तो देंगे कोई नहीं अभी तो दें प्लॉट तो जो प्लॉट देने तो उन्हें तो रेट होने ना तो जो फाइल लैनी तो पांच साल लोग लैके फिरते रहते हैं अमूमन सा लोग आते हैं बेचारे अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो बेचारे ला दी होंगी है तो प्लॉट जरा ना वो कह लो कि सिर्फ उन्होंने को फाइल के मौजूद होंगे तो प्लॉट उन्होंने मिलता कोई नहीं तो आरबीएस ना रबता करो इंशाला सेफ इनवैसमेंट करवावे तो तुम बेहतर तरीके गाइड करा कि जितने इनवैसमेंट जी फायदेमंद साबित हो सके। लाहौर स्मार्ट सिटी ते केड़े केड़े साइज़ दे अवेलेबल हैं? लाहौर स्मार्ट सिटी दे विच जिहड़ा सब तो छोटा साइज़ है वो पांच मरला है, उस तो बाद सत मरला आ रहा है, फिर दस मरला है, उस तो बाद बारह मरला ते कनाल, यह जिहड़े साइज़ अवेलेबल ने। तो अलहमदुल्ला साडा बहुत जल्द जिहड़ा ना लाहौर स्मार्ट सिटी कमर्शियल वगैरह की भी लॉन्चिंग हैगी है, तो लाहौर स्मार्ट सिटी कमर्शियल तुसीं इह अंदाज़ा लगा लो कि इन्नी क हॉट आइटम है कि सानू दिन रात जिन्हें उन्होंने फोन है कि यार जिद कमर्शियल सानू आता है तो सानू आगाह किया जाए ताकि असं जो उस कमर्शियल के अपनी इनवैसमेंट कर सकी। जी नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये आरबीएस की टीम थी और इस वक्त हम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है इसकी साइट पर मौजूद हैं, इसके एक्सेस पॉइंट भी आपने देख लिए और आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत जल्द जो है रिहाइश भी लोगों को दी जाने वाली है। नाज़रीन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के हवाले से तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसी रोड पर जो इस वक्त चक्री रोड कहलाती है, इस रोड पर और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं लेकिन एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके पास लैंड भी मौजूद है और जिसका NOC सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका NOC जो है वो मौजूद है। आप आरबीएस के जो नंबर्स हैं वो भी इस वीडियो में दिए गए हैं और आरबीएस का लाहौर ऑफिस भी मौजूद है, इस्लामाबाद ऑफिस भी मौजूद है, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनके ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।